अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तुम्हारे घर में लाल पानी, इनके घर में लाल पानी, ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब घरों के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स लगे हुए, उनमें पानी वहां से आता है, उन बड़े टैंकों में से। यहाँ पे एक लाश है सर। ये आदमी जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे मिलने यहाँ आया। वो खून ब्लेड से ही किया है। बैग लेके तो गए थे। फिर वो बैग कहाँ है? वो ऑटो रिक्शा से आए थे साहब, ये लिखा है मैंने नंबर XMN02K5171। राणा के पास मोबाइल फोन था, ये उसके वाइफ ने बताया नहीं। हमें पता करना था इस नंबर पे आखिरी फोन कहाँ से आया था। क्या कहा? कामधेनु बंगलो सोसाइटी का। देखो राणा को किसी ने उसके मोबाइल पे फोन करके टैंक के पास बुलवाया और वहाँ उसका खून हुआ है। आपने कहीं विक्रम को देखा है? अभी अभी तो यही थे, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। प्रेडिक्स, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके टैंक के पास खड़े रहो, वहाँ से बिल्कुल मत हिलना। ये देखिए सर, वीर विक्रम की लाश। ये देखा गया? जूते का निशान। हाँ सर, मैंने नोटिस किया, शायद खूनी के जूतों के निशान है। ये क्या है? यहाँ खून लगा हुआ है, तो खून यहीं पे हुआ है। इस जूते के निशान का प्रिंट बनवाओ। इस टैंक के आसपास का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। दो दो खून हुए हैं, शायद कुछ मिल जाए जिससे हमें पता चले कि यहां क्या हो रहा है। अच्छी तरह से देखो। ये क्या है? चा, ये देखिए, चाबी। इस चाबी को कोई पहचानता है? ये चाबी तो किसी बंगले की लगती है। हाँ, बंगले की।
मतलब यहाँ रहने वाला कोई इसमें मिला हुआ है। मगर सर बंगले की चाबी यहाँ कैसे? यही तो ढूंढना है, यहाँ कैसे? एक एक बंगले में ये चाबी लगाकर हम चेक करेंगे। एक तरफ से शुरू करते हैं सर। हाँ, एक एक घर को एक चाबी लगा के देखते हैं। यार ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है सर। और फिर मैं राणा का खून क्यों करने लगा? फिर भी देखते हैं। नहीं सर, नहीं, इस घर का नहीं है। ये टैंक के ऊपर जो खूनी के जूते का निशान है उसका पॉजिटिव निकलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा घर है, क्या आप मेरा घर भी चेक करेंगे? जी हाँ। वन मिनट, हेलो एक्सक्यूज मी, आप सुनेंगे मेरी बात जरा प्लीज? नहीं सर, इसका भी नहीं है। कह रही थी ना मैं आपसे, उस तरफ मेरा घर है सर, वहां तो कोशिश करना बेकार है। ये किसका घर है? ये किसी दीपक का है सर, वो आता जाता रहता है, यहां रहता नहीं। ले, चलो देख। खुल गया सर। यहां तो चारों तरफ धूल ही धूल है। सर क्या यहां कोई आया होगा? क्या पता। ये क्या जूते का निशान यहां भी है? आगे भी है सर, यहां भी है सर, फुटप्रिंट्स हर जगह है। सर लगता है वो यहां बैठा था। काफी घुमा है वो यहां सर। इस बैग पे धूल कम है, यहां इस बंगले का नहीं लगता सर। ये उसी का होगा। खोलो। बैग में भी साबुन, वही साबुन जो टैंक में से निकला था। कमाल है, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं एक खूनी साबुन लेके घूम रहा है सर। हाँ सुधाकर। सर टैंक के ऊपर मिले फुटप्रिंट का ये पॉजिटिव बना है। फुटप्रिंट मैच हो रहा है सर। हाँ ये वही है, टैंक में भी वही साबुन और यहां भी वही। राणा को मारने के बाद शायद वो यहां पे आके छुपा होगा और फिर यहां से विक्रम को मारने के लिए गया। मगर राणा के खून में और विक्रम के खून में क्या कनेक्शन हो सकता है? मिसेस राणा, आप जरा प्लीज यहां आइए। जी। संभल के, नीचे फुटप्रिंट्स हैं, संभल के प्लीज। हाँ। आइए। ये साबुन, ये साबुन हमें यहां महक साबुन, मेरे पति यही काम करते थे क्या? जी सर, राणा साहब हमारी सोप कंपनी में ही काम करते थे, वो इस एरिया के रीजनल मैनेजर थे। आपको मालूम है ना राणा का खून हो गया? जी। हम यहाँ ये पूछने आए हैं कि आपके कंपनी में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से राणा साहब का खून हो गया? सर खून वहां पे हुआ है सोसाइटी में, लाश भी वहीं टैंक के अंदर मिली है। और आप खूनी को यहाँ ढूंढ रहे? जी हाँ, क्योंकि वहां सोसाइटी के एक बंद बंगले में हमें ये मिले हैं, आपके बनाए हुए साबुन के फ्री सैंपल। ओ अब बताइए
यहाँ ऑफिस में राणा की किसी से दुश्मनी थी? हमारे यहाँ पर एक आदमी था, यहाँ से ये साबुन चुरा के बेचता था, बहुत बेचे उसने। राणा ने उसे पकड़ लिया एक दिन, बाद में उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। किसने निकाला उसे नौकरी से? राणा साहब ने ही निकाला। बाद में हमने सुना वो किसी को कह रहा था कि एक ना एक दिन राणा से इसका बदला जरूर लेगा। खून इसी ने किया होगा। नाम क्या है उसका? कनल। कनल? कनल? देखे तो सही, बैग गया कहां? पेट्रिक्स, हाँ, टॉर्च पकड़ना तो दे दो, अंदर उतर के दे दो, जरा पकड़ना। समझ पेट्रिक्स, जरा टॉर्च देना तो, ये लो। अरे बैग तो यहाँ है। पेट्रिक्स टॉर्च पकड़ो, एक मिनट, दे दो बैग, लो हाँ पकड़ो, ऊपर खींचो, लो सर। हासिल आकर क्या हुआ सर? हाँ, टैंक में से बैग मिला, शायद राणा साहब का हो सकता है। राणा साहब का बैग? किस टैंक में से? दूसरे टैंक में से, जिस टैंक में वीर विक्रम की लाश मिली थी। जी, ये कैसे हो सकता है? खैर, ये बैग दिखा। मिसेज राणा जी, तो देखिए, ये बैग आपके पति का है। हाँ, ये उन्हीं का बैग है। उन्हीं का? और ये कपड़े? ये उन्हीं के कपड़े। सुधाकर, राणा साहब का मोबाइल फोन नहीं मिला बैग में से? नहीं सर। और वहां टैंक में से? टैंक में भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर गया कहां फोन? सर, जरा उस मोबाइल पे फोन करके देखो, देखे कहां पे है फोन। राणा, जरा राणा साहब का मोबाइल नंबर बताइए प्लीज। जी, 98209 0 0 0 1 5 9 1 5 9। बेल बज रही सर। Oh no, काट दिया, किसी ने फोन काट दिया सर। जो भी कोई है हम उसे ढूंढ सकते हैं। किसी ने फोन ऑफ किया है, मतलब फोन किसी के हाथ में है। चलो फिर से मोबाइल फोन कंपनी को फोन करो। या आप जरा नंबर बताइए। 98209 0 0 1 5 9। ओके, जरा आप अपना नंबर बताइए। जी, वैसे आपका नंबर यहाँ पर आया हुआ है, पर फिर भी 98207 1 2 1 0। ओके, ये आदमी आपके आसपास ही है, शायद वहीं पे है जहां से आप फोन कर रहे हैं। यहीं पे है? आयुषा, ओके एक मिनट सर, ये कह रही हैं कि वो मोबाइल फोन यहीं पे है, यहीं आसपास, इसी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में? मतलब यहीं के किसी रहने वाले ने खून किया है? पर सर, हम में से कोई खून क्यों करेगा? या ये भी तो हो सकता है कि खूनी यहीं पे कहीं छुपा। दया सर, सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो। चलो आप लोग भी ढूंढो, चलो ढूंढो, लेकिन जरा संभल के रहना। कुछ लोग इधर जाओ और कुछ लोग उधर जाओ, संभल के रहना। जी सर। हाँ, यहाँ पे कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा, बताइए ना प्लीज वो कहाँ है। अभी देखती हूँ। जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट जाइए। 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट? अब ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों के पास कंपास है? नहीं नहीं, एक कंपास चाहिए। क्या किसी के पास कंपास है? कंपास? जिस किसके पास भी कंपास है जल्दी लेके आइए प्लीज। मेरे पास
लेके आता हूँ। ले। उसने 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट कहा है। 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट सर इस तरफ है। उधर तो टैंक्स है, चलो उस तरफ ही चलते हैं। हाँ क्या बता सकती हैं वो हमसे कितना दूर है? याशिर वो आपसे करीब 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर 200 मीटर पास में ही है। ओह नो, आई एम सॉरी मिस्टर दया, उस आदमी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। क्या मोबाइल ऑफ कर दिया? ओह नो सर, उसने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया है। मोबाइल ऑफ कर दिया? हाँ सर। कोई बात नहीं, हम फिर भी उधर ही चलते हैं। यहाँ कहाँ हो सकता है? फ्रेडरिक्स, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। तुमने ऊपर चढ़ के देखा? मैं कल रात से यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। कल रात को भी आप लोगों ने पूछा था, फ्रेडरिक्स तू यहाँ से कहीं गया था क्या? रात को मैंने कितने मच्छर मारे, कितने मच्छरों ने मुझे काटा, मैं सुबह से टॉयलेट भी गया कि नहीं, ये आप लोग नहीं पूछ रहे? अच्छा ठीक है, तुम बाद में रो लेना। मैं रो नहीं रहा हूँ फ्रेडरिक्स। यहाँ से कोई गया तो नहीं ना? नहीं सर। तो फिर गया कहां होगा? एक ही जगह पे तो था। नहीं तो नहीं। और टैंक के अंदर देखो। नहीं सर, इस टैंक में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? नहीं सर। किया है जब से उसने मुझे काम से निकाला, मेरे दिल में आग लगी हुई थी। मैंने सोचा जब तक राणा जिंदा है मैं चैन से नहीं सो सकूंगा, तो मैंने उसके मोबाइल पे फोन करके उसे टैंक के पास बुलाया और वहां मार दिया। राणा से दुश्मनी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने उसे मारा। मगर तुमने विक्रम का खून क्यों किया? विक्रम? उसे उसे तो मैं जानता तक नहीं था। तो फिर क्यों मारा उसे? उसने कहा था मुझे। मैं? इसने? नहीं। इसने? मैं? नहीं। तो फिर मुझे जाना ना तू। मुझे मैंने इसे भागते हुए देखा था। एक बिल्डर यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने वाला था सर। यहाँ सबको पटाने के लिए मुझे बहुत पैसा मिलने वाला था सर। इतनी जमीन पड़ी है यहाँ किस काम की है? लेकिन यहाँ यहाँ ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। और सबसे ज्यादा टांग तो वो विक्रम अड़ा रहा था, इसलिए उसका कांटा निकालना जरूरी था सर।
सर मैंने देखा कि ये आदमी एक खून तो कर ही चुका है, सर दूसरा भी करवा दिया, इसे बंगले में मैंने ही ठहराया था। तू भागा क्यों नहीं विक्रम को मारने के बाद? मैं तो रात को ही भागने वाला था वहां से, पर ये पुलिस वाला वहां खड़ा था, दो दिन तक हिला ही नहीं, टैंक में बैठे बैठे तो मैं वैसे ही मर जाता। खैर अब दोनों जेल में बिताना जिंदगी आराम से, वहां भी बड़े बड़े टैंक्स हैं, कभी कभी उनमें भी जाके बैठ जाना।